हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। तो नेशनल वोटर डे के मौके पे सेंट्रल सरकार ने वोटर आईडी का जो डिजिटल वर्जन है उसे लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने वोटर आईडी का जो है डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप जो है वीडियो पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जो है अपना वोटर आईडी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी कि इसके पीडीएफ फॉर्म में अगर आप अपने फोन पे या सिस्टम पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन इसे जो है दो फेज में पूरा करने वाला है, यानी कि पहला फेज 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होने वाला है। इसमें उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होने वाला है जिन्होंने पहले से ही जो है वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है और पहले से जिनका केवाईसी प्रोसेस पूरा है, यानी कि उनका डेटा अब वेबसाइट पे आ गया है, तो वो अब अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा फेज जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। उसमें वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और अपनी डिटेल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाल सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप अपना ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वोटर पोर्टल eci.gov.in पे जाना है या फिर nvsp.in पे जाना है या फिर आप वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉइड और iOS ऐप का यूज भी कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होके आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है जिसे आप डिजी लॉकर में जो है सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होके आने वाला है उसमें एक यूनिक क्यूआर कोड भी मिलने वाला है जिससे कि कोई भी जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी ना बना सके। अभी आपको पता चल गया है कि आपको किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कौन सी साइट पे जाके जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप जो है अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वोटर पोर्टल eci.gov.in पे जाना है और वहां पे जो है आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करना है। ईपिक नंबर और फॉर्म रेफरेंस नंबर वहां पे आपको डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है एक वेरिफिकेशन ओटीपी कोड आएगा, उसे आपको वहां फिल कर देना है। उसके बाद एपिक डाउनलोड पे क्लिक करना है जिससे कि आपका जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर केवाईसी नहीं है तो सबसे पहले आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है केवाईसी करना होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाकर। बिना केवाईसी के आप अपना डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना केवाईसी पूरा करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि आपको अपना वोटर आईडी कहीं भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप जो है उसे जो है ऑनलाइन कहीं से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे सेव करके रख सकते हैं डिजी लॉकर के अंदर और कहीं पे भी जो है उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको अगर अपना एड्रेस कभी भी चेंज कराना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के जो एड्रेस वो चेंज हो जाते हैं और उसके बाद जो है उस एड्रेस को चेंज कराने में काफी ज्यादा दिक्कतें उन्हें आती हैं, तो अब आप जो है ऑनलाइन ही जो है अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना बहुत ही आसानी से। और इतना लंबा प्रोसेस भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो है वोटर आईडी एडिट पे जो है आपको क्लिक करना है और वहां से जो है आप अपने वोटर आईडी के जो एड्रेस है उसे आप चेंज कर सकते हैं। और एक फायदा ये भी है, अगर आपका वोटर आईडी कभी गुम हो जाता है या खो जाता है तो आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, और उसे जो है यूज कर सकते हैं। तो ये कई सारे फायदे हैं जो आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। जो सरकार है वो चाहती है कि हर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड हो और वो आसानी से उसे पा सके। तो सरकार जो है काफी ज्यादा प्रयास कर रही है कि आपको जो है आपका वोटर आईडी, आपके आइडेंटिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल सके आसानी से और आप उसे जो है घर बैठे पा सके। अब आपको जो है वोटर आईडी के लिए लाइन में नहीं लगना है, आप उसे जो है घर बैठे ही जो है ले सकते हैं। जब सरकार इतना एफर्ट लगा रही है आपके लिए, तो आपका ही फर्ज बनता है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है तो उसे जल्दी से जल्दी बनवा लें। और एक बार अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो आपका फर्ज बनता है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही नॉलेजेबल टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।